भैया, अगर बैंक अकाउंट आपके पास है, कोनो बैंक अकाउंट, किसी भी बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, ये वाला वीडियो जो है आपको बहुत ज़रूरी एकदम देखना होगा। कहे कि एगो मैसेज आया है, बैंक अकाउंट लीन हो गया साइबर फ्रॉड के चलते, और हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, और बहुत सारे कमेंट आते हैं। अब इनका मैं कमेंट आपको यहाँ दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि बैंक अकाउंट में क्या क्या आपको दिक्कत आ सकता है साइबर फ्रॉड के चलते। अभी देखिए, हमारे सब्सक्राइबर ने ही कमेंट किया है यहाँ पर हमारे वीडियो के नीचे, लिख रहे हैं, योर अकाउंट नंबर एंडिंग विथ हैज बीन लीन मार्क ड्यू टू सस्पेक्ट साइबर फ्रॉड। इसका मतलब क्या होता है? ये वाला मैसेज, इनको SMS मैसेज आया है इस तरह का, और बैंक अकाउंट को लीन कर दिया गया। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब है कि आपका जो बैंक अकाउंट है किसी प्रकार के साइबर फ्रॉड से संलिप्त है। इसके चलते आपके बैंक अकाउंट में एक कुछ अमाउंट, अब अमाउंट की चर्चा यहाँ नहीं की गई है, कुछ अमाउंट लीन कर दिया गया। मतलब लीन का मतलब कि उस अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट से नहीं निकाल सकते हो। मान लीजिए कि 2,000 रुपया लीन कर दिया गया, लीन में डाल दिया गया, तो बाकी पैसा तो निकाल पाओगे, लेकिन लीन वाला अमाउंट नहीं निकाल पाओगे। और साइबर फ्रॉड के चक्कर का मतलब है कि मान लीजिए कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो इलीगल है, ठीक है, आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जैसा भी हो सकता है कि किसी से आपने 2,000 रुपया लिया। मैं 2,000 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने गलत तरीके से किसी से 2,000 रुपया ले लिया, और फिर जिससे आपने पैसा लिया, उसने पैसा तो आपके अकाउंट में दे दिया, उसके बाद उसने कंप्लेन कर दिया साइबर फ्रॉड में कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है और इस अकाउंट में हमने पैसा डाला है। तो उस स्थिति में साइबर जो पुलिस होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में जो है ना रुकावट पैदा कर सकते हैं। वो डायरेक्ट आपके बैंक को सूचना देंगे, और बैंक क्या करेगा, आपके होल्ड लगा देगा अकाउंट पर, ठीक है ना। एक होल्ड होता है कि पूरी तरह से आपका बैंक अकाउंट होल्ड हो जाएगा, कोई पैसा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। एक होल्ड होता है कि जितना अमाउंट आपका लीन में डाल दिया जाएगा, केवल उतना ही अमाउंट आप नहीं निकाल पाओगे, बाकी निकाल पाओगे, समझे। तो ये चीज़ होता है, और कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपने कोई साइबर फ्रॉड नहीं किया हो और फिर भी आप फंस गए हो। कोई जो आदमी है वो आपके से कुछ दुश्मनी का बदला ले रहा होगा, या फिर आपके अकाउंट में आपको फंसाने के लिए ऐसा कर दिया हो। तो ये प्रॉब्लम तो आपके बैंक अकाउंट में आ गया, होल्ड तो लग गया, तो इसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि अब साइबर पुलिस जो है इसका पूरा छानबीन करेगा। जो कंप्लेन आया है, होल्ड तो लग गया, लेकिन इसका छानबीन होगा, पूरा कानूनी कार्रवाई होगा। उसके बाद अगर आप दोषी पाए जाएंगे तो फिर कार्रवाई होगा, अगर नहीं पाए जाएंगे तो अकाउंट में होल्ड हट जाएगा, समझे। तो कभी भी अपना बचने का तरीका है कि ज़्यादा बैंक अकाउंट डिटेल्स अपना जहाँ तहाँ बिना मतलब का शेयर ना करें। अगर शेयर करेंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, समझे। और होल्ड हो सकता है अकाउंट, और कोई गलत, कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो है नहीं करें अपने अकाउंट के साथ, नहीं तो बहुत मुसीबत में फंस जाएगा। होल्ड हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसमें सबसे पहले आप बैंक में जाइएगा, बैंक भी उतना हेल्प नहीं कर पाती है। बैंक आपको सिर्फ यही बोलेगी कि साइबर फ्रॉड के चलते आपका लीन लग गया है, फलाना पुलिस स्टेशन से साइबर क्राइम हुआ है, तो कोई पुलिस मतलब स्टेशन भी होगा, आपको बैंक आपको बता देगा कि इस पुलिस स्टेशन से हुआ है, आप वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हो फ़ोन पर या ईमेल के माध्यम से। लेकिन अगर उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर जहाँ पर है पुलिस, अगर दूसरे राज्य में है या दूसरे सिटी में, आपको जाना पड़ेगा, फिर उनसे रिक्वेस्ट करना होगा, उनको सबूत देना होगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए, बाहर में जाइएगा, होटल में रहिएगा, बहुत पैसा आपका खर्चा होगा। ये सबसे बचने का तरीका यही है कि भाई कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी ना करें कभी भी अपने अकाउंट, और अपना अकाउंट किसी के साथ शेयर ना करें। हो सकता है कि कोई आपसे बदला लेने के लिए कोई आपका दुश्मन भी इस तरह से कर दे, आपके अकाउंट में पैसा जानबूझ के डाल दे, और फिर आपको साइबर फ्रॉड में कंप्लेन कर दे, आपके अकाउंट में होल्ड लग जाएगा। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आजकल जो है लोग बहुत ऑनलाइन में अपना अकाउंट को बिना मतलब का किसी को दे के पैसा लेते रहते हैं, बिना मतलब का अकाउंट नंबर शेयर करते रहते हैं, तो वो गलत बात है। मान लीजिए कि आप पटना में रह रहे हो, ठीक है, और पटना में रह रहे हो, आपने दिल्ली कोई आदमी को जानते भी नहीं हो, उससे छोटा मोटा बिजनेस ऑनलाइन आपने किया और फटाक से ना उसको अपना अकाउंट दे दिया,
आप ज्ञान ही नहीं रहे हो वो आदमी कैसा है क्या है, फिर भी आपने अकाउंट दे दी, डिटेल दे दिया, तो उसका गलत फ़ायदा उठा सकता है वो, इस तरह के प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है जो, और ये बेचारे गलती है या नहीं है मैं नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन प्रॉब्लम तो हो गया, लीन लग गया, होल्ड लग गया, अब बताइए क्या करेंगे, ये मुसीबत में फंस गए, अब बताइए इनको कितना बैंक का चक्कर, कितना थाना का चक्कर लगाना पड़ेगा, वो भी उनके शहर में वो थाना नहीं होगा तो उनको बाहर जाना पड़ेगा, होटल में रहना पड़ेगा, कितना पैसा खर्चा होगा, सोचिए, छानबीन होगा, सब कुछ होगा, अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो फिर जा क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में जाके जाके जो है ना लड़ना पड़ेगा, कोर्ट से जाके आपको कंप्लेन करना पड़ेगा, फिर आपको कोर्ट से लड़ाई जीतना होगा आपको, तब जाके ये सब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो लंबा चक्कर में नहीं फंसीए, ठीक है, सिंपल सा अपना सीधा साधा काम कीजिए, और जो है ना इंडिविजुअली कोई बिजनेस ऐसा ना कीजिए कि आपको बार बार अपना बैंक अकाउंट डिटेल किसी को देना पड़ रहा है, वो काम कीजिएगा तो फंसिएगा, ये चीज़ नहीं करना चाहिए कभी भी। सिंपल मैसेज का मतलब है कि आपके हो सकता है कि आपके अकाउंट में पैसा आया हो, आपने गलत काम किया या कोई इलीगल एक्टिविटी किया या नहीं किया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन किया है तो उसका सज़ा मिलेगा, अगर नहीं किया है तो आपको जो है सज़ा नहीं मिलेगा, अंत में अगर आप बेकसूर होंगे तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और ये लीन जो होल्ड लग गया वो हटेगा, लेकिन बहुत लंबा समय बर्बाद हो सकता है इसमें, कम समय भी लग सकता है, ज़्यादा समय भी लग सकता है, ये सबसे बचिए, मैं यही कहूँगा। एक डाउट मैं क्लियर कर दूं कि बहुत सारे मुझे कमेंट आए हैं, कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया कि हमारा भी जो है अकाउंट में लीन लगा है, लेकिन जैसे कि हमारा अगर 3,000 रुपया लीन अमाउंट लगा है तो बाकी का पैसा हम निकाल पा रहे हैं, अब इसके बारे में मुझे जो है मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो लोग मैं कॉमेंट कर रहे हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन होता है कि जब लीन लगता है अकाउंट में तो क्या हम पूरा पैसा नहीं निकाल पाते हैं कि कुछ पैसा निकाल पाते हैं, तो उन लोगों ने खुद मैसेज करके बताया हमें कि जितना लीन अमाउंट लगा है उतना हम निकाल नहीं पा रहे हैं, बाकी पैसा हम निकाल पा रहे हैं, ठीक है, तो उनका कमेंट के आधार पर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। कभी कभी फुल अकाउंट में होल्ड लग जाता है, आप कोई भी पैसा नहीं निकाल पाते हो, वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्राइम है, कैसा क्राइम है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है उस चीज़ पर, जिस तरह का क्राइम होगा उसके अकॉर्डिंग उस पर होल्ड लगाया जाता है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। भाई कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो कॉमेंट जरूर कीजिए, मैं आपका आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों, और आपका हेल्प मदद जरूर करूँगा। चलिए, जय हिंद।